अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरी तरफ़ से सलाम आपकी समातों की नज़र। अस्सलामुअलैकुम। जो मर्द औरत को गाली से चुप करवाए और जो औरत हामद के आगे ज़ुबान चलाए, ऐसे जोड़ों को तरबियत की अशद ज़रूरत होती है। औरत की ज़ुबान लंबी है सब ये तो कहते हैं, लेकिन मर्द की ज़ुबान गंदी है ये कोई नहीं कहता। मिंटो कहते हैं हसीन से हसीन औरत बीवी बनने के बाद नागन का रूप धार लेती है। कभी दुख से तड़पते मर्द की सुर्ख अंगारों से दहकती आंखों में ज़रूर झांकना और देखना मर्द दुख में कितना तनहा होता है। औरत मर्द की अमीरी और गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, ये तो बस इस बात से मुतासिर होती है कि एक इंसान उसको कितनी इज्जत देता है। कुछ औरतें सिर्फ इज्जत चाहती हैं, पैसा नहीं। उस मर्द की औकात एक कुत्ते के बराबर है जिसे देखकर एक औरत अपना रास्ता बदल ले। औरत एक फूल की तरह है जिसको तोड़े बगैर भी तस्कीन हासिल की जा सकती है। जब मर्द ने औरत का जिस्म इस्तेमाल करना होता है तो वो तीन काम करता है और औरत बेवकूफ़ होती है, उसे पता नहीं होता। नंबर एक हमदर्दी दिखाता है, नंबर दो तारीफ करता है, नंबर तीन वादे करता है। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं, इसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नीयत से है। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हैं, तो फिर मोहब्बत उनको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा हास होती है।